নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে স্বাস্থ্য আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ ওপৰত আলোচিত এক ইউটিউব চেনেল হেলথ এণ্ড ৱেলথ। আজি আপোনালোকক মই এনেকুৱা চাৰিটা বাক্য ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি চাৰিটা বাক্য আপুনি যদি আপোনাৰ জীৱনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰি চলে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ জীৱনত আৰু বহুদূৰ সফলতাৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস। এই চাৰিটা বাক্য কি এই বিষয়ে ক'বলৈ আমি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ আইডিয়েল ৱে মাৰ্কেটিং প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ডাইৰেক্টৰ উমেশ কুমাৰ পাণ্ডে ছাৰে ভিডিঅ'টোত কি কৈছে সেই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। আহক সেই ভিডিঅ'টো আমি অকণমান চাই লওঁ। দোস্ত নমস্কাৰ, মই উমেশ কুমাৰ পাণ্ডে। দোস্ত, এক বিনম্ৰ ৰিকুৱেষ্ট আৰু প্ৰাৰ্থনা কে সাথ হি মই ইছ ভিডিঅ'কো আগে বঢ়াওঁগা আপ লোগ কে লিয়ে। বিনম্র প্রার্থনা ও রিকোয়েস্ট ইয়ে হ্যাঁ কি আপ সবই জানতে হ্যাঁ গরমি বড় রই ডে বাই ডে আপ তো কৃপা করকে আপনি ছত পে আপনি বালকনি মে কুছ বর্তন মে পানি রখ দিজিয়ে জিসে যো চিড়িয়া আ রই হ্যাঁ বহুত সারে কবুতর হ্যাঁ চিড়িয়া হ্যাঁ উনকো আগর আপকে ঘর সে পানি মিল জায়েগা তো সমঝে বহুত উনকি দুআয়েন মিলনে যা রই হ্যাঁ ইহি এক বিনম্র রিকোয়েস্ট হ্যাঁ আপ জরুর কিজিয়ে। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं दे रहा हूं आपको चार एक ऐसी लाइनें हैं जो अगर आपने पकड़ लिया तो ये समझ लीजिए कि जीवन सफल हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। वो चार लाइनें क्या हैं, चार वाक्य, सॉरी लाइनें बोल रहा हूं, चार वाक्य आप पकड़ लीजिए। अर्ज, मर्ज, फर्ज और कर्ज। ये चार चीजें आप लिख लीजिए और हर दिन आपको याद करना है कि क्या ये चारों चीजें आपकी परफेक्ट हो रही हैं। अर्ज से मतलब है अरदास, उस परमात्मा का शुक्रिया अदा कर रहे कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये बहुत सारे लोगों का कथन है, कहना है आज की डेट में कि आप कितने ही काबिल हों, कितने ही टैलेंटेड हों, कितने ही हार्ड वर्क करते हों, लेकिन बिना उसकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसलिए टैलेंट भी चाहिए, हार्डवर्क भी चाहिए, लेकिन उसकी कृपा भी, उसकी ब्लेसिंग भी चाहिए चाहिए। तो जितना भी आप उससे जुड़े रहें, हमारे मुस्लिम भाई तो देखिए पांचों टाइम नवाज अदा करते हैं, पांचों टाइम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जितना भी जैसे भी संभव हो हमको उसको थैंक्स कहते रहना है, तो वो हो गई हमारी अरदास, अर्ज। वो हम पकड़ के रखें कि हमेशा हम उससे जुड़े हुए हैं। दूसरा है मर्ज, शरीर में कोई भी बीमारी हमारे ना आने पाए। कहा जाता है अगर एक छोटी सी फुंसी भी हो और उसी समय आप ठीक कर लें उस पर, वीको लगा के कुछ भी, और बहुत सारी एंटीसेप्टिक क्रीम्स हैं, बहुत सारे हैं, हमारा जेल भी बहुत अच्छा है आइडल का, उसके ऊपर कुछ भी हो आप उसको वहीं का वहीं ठीक कर सकते हैं। अगर उसको नज़रअंदाज किया तो बड़ा फोड़ा हो सकता है, उसको बड़ी प्रॉब्लम में आपको दे सकता है। तो छोटी से छोटी बीमारी को वहीं का वहीं ख़त्म करना चाहिए, कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चल के वो बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। अर्ज, मर्ज, मतलब बीमारी, बीमारी को कभी भी हल्के में नहीं लें, ठीक है। दूसरा है अर्ज, मर्ज, फर्ज। हमारी जितनी भी दायित्व हैं, जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, जितनी भी रिश्ते हैं, रिश्ते नाते फर्ज हैं, क्या हम अपने फर्ज को हम पूरा कर रहे हैं? अगर 100% अपने फर्ज को हम पूरा कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अपने किसी भी दायित्व से, किसी भी फर्ज से इंसान को भागना नहीं चाहिए, और ऊपर वाला अगर साथ है तो सारे दायित्व को बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे, इसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अर्ज, मर्ज, फर्ज और तीसरा है कर्ज। दोस्तों, कभी भी लायबिलिटी ना रहे, कोशिश तो यही करें। आज जब बड़ा गलत ट्रेंड चल गया है, घर भी ईएमआई पे, गाड़ी भी ईएमआई पे, मतलब इतना वो कि हम लोग, लगता है कभी कभी बहुत सारे लोग कि सिर्फ कमा रहे हैं और किस्त भर रहे हैं, ये सही नहीं है। हाँ, कुछ जीवन की आवश्यकताओं के लिए अगर हम ईएमआई दे रहे हैं तो जरूरी है, लेकिन बहुत सारी फिजूल की चीजों का भी हम लोग ईएमआई पे उठा लेते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए या दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे को, ये सही परंपरा मेरे हिसाब से नहीं है। जितनी आवश्यकता हो हम उतने में ही रहें और उतने में ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सामान इकट्ठे करते जाइए। तो अपनी ईएमआई कम से कम हो, नहीं हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर लेकिन अगर कोई किसी वजह से ऋण हो गया है, कर्जा हो गया है, तो उसे जल्दी से जल्दी उतारिए। नहीं तो बहुत सारे ज्ञानियों से मैं सुन चुका हूं कि अगर इस जन्म में नहीं भरेंगे तो अगले जन्म में भरना है, भरना तो वो है। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो दूंगा आपको और आप यकीन करेंगे। कर्जा कभी ना रहे, ठीक है, विनम्र निवेदन है। तो ये चार चीजें आप पकड़ लीजिए, अर्ज, मर्ज, फर्ज और कर्ज। ये चार चीजों पे आप हर दिन फोकस करिए और इसमें आगे बढ़िए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।